हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स, द बेस्ट प्रेगनेंसी सेंट्रिक चैनल। दोस्तों, प्रेगनेंसी में हर महिला को अपना ध्यान तो रखना ही होता है और साथ ही ये ध्यान रखना होता है कि गर्भ में शिशु इन 9 महीनों में पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, जैसे खान पान में क्या खाएं क्या नहीं, कितनी नींद लें, कितनी एक्सरसाइज वगैरह वगैरह। लेकिन इनके अलावा और भी बातें जिनका अगर ध्यान न दिया जाए तो डायरेक्ट गर्भ में शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान किन चीजों से आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, ये जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिए एंड तक बिना स्किप किए। सबसे पहली बात, नुकसानदायक गंध यानी कि स्मेल से दूर रहें। कई चीजों की गंध से आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, जैसे कि कई लोग अपने घरों में पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं। तो पहले तो ध्यान रखिए कि घर में अगर महिला प्रेग्नेंट है तो इस दौरान इसे ना करवाएं, क्योंकि इसमें बेहद ही हानिकारक कीटनाशक रसायन होते हैं। इनकी स्मेल से महिला के साथ साथ गर्भ में बच्चे को डायरेक्ट इसका बुरा असर पड़ सकता है और महिला को इसके थ्रू स्किन इन्फेक्शन, इरिटेशन, वोमिटिंग और सरदर्द जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर महिला घर की साफ सफाई स्वयं कर रही हो तो ध्यान रहे कि इस दौरान फ्रिज, टीवी, शीशे इत्यादि साफ करने वाले केमिकलों से दूरी बना के रखें। इनमें भी हार्ड केमिकल होते हैं जो स्मेल के दौरान गर्भ में शिशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं और महिला को भी स्किन एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। अगर घर के किसी हिस्से में पुताई हो रही हो तो उस जगह से दूर हटें। पेंट से निकलने वाले कुछ पदार्थ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं, उन्हें सांस के साथ अंदर लेने से बचें। दोस्तों, कई महिलाओं को हार्मोनल चेंजेस के कारण इस दौरान ऐसी चीजें स्मेल करने का मन करता है जो कि सेहत के लिए सही नहीं होती है, जैसे कि स्मोकिंग का धुआं, जलती लकड़ी की स्मेल इत्यादि। तो ध्यान रखें और अपने मन पे काबू रखते हुए ऐसी गलती ना करें कि आप इनकी स्मेल को जानबूझकर सूंघें। दूसरी अगर बात की जाए तो हेयर और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप अपनी स्किन पर जो कुछ भी लगाती हैं वो शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इसका प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान इन केमिकल से खासतौर पर बचाव करना चाहिए। अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक कर लें। कुछ महिलाएं हर रोज शैम्पू करती हैं तो प्रेगनेंसी में माइल्ड शैम्पू लगाना चाहिए। इसमें मौजूद कृत्रिम प्रसाधनों से त्वचा का रंग काला होना शुरू हो जाता है और कई बार खुजली और सिरदर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में लिपस्टिक का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए, क्योंकि लिपस्टिक में पाए जाने वाला लेड गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। बात करें परफ्यूम की तो परफ्यूम सारा दिन शरीर को भीनी भीनी सुगंध तो देता है, लेकिन इसमें कई तरीके के रसायन होते हैं जो प्रेगनेंसी में हानिकारक परिणाम दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हेयर कलर करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद रसायन एलर्जिक रिएक्शन का कारण बन सकते हैं, तो आप हेयर कलर की जगह हीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात, गर्म पानी से नहाना। गर्भावस्था के दौरान कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है और इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है। ऐसा होने पर आपके बच्चे को जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने से आपको बचना चाहिए या फिर बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से आपको नहाने की आदत डालनी चाहिए। गर्म पानी से नहाने पर इससे डायरेक्ट बच्चे पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, आगे के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने से पहले एक बार वीडियो को थोड़ा सा विराम देते हुए एक जरूरी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के बाद बेबी की केयर कैसे करें, इसके लिए हमारे बेबी केयर सेंट्रिक चैनल मॉम इन इंडिया को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चौथी बात दोस्तों, फलों के जूस के बारे में करते हैं कि फलों के जूस का अत्यधिक सेवन ना करें। ये बात सुन के आपको थोड़ा सा हैरानी तो होगी, लेकिन फलों का जूस प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फलों के जूस से बेहतर है कि आप फल खाएं, क्योंकि जूस में शुगर की मात्रा अधिक और फाइबर कम होता है। इससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। ज्यादा मात्रा में फलों के जूस का सेवन करने से जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि गर्भावधि में मधुमेह हो सकता है। वही फलों को डायरेक्ट काटकर खाने से आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलता है और आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा नहीं हो पाता है और आपका वजन भी नहीं बढ़ता है। पांचवी और अंतिम बात दोस्तों ये है कि पीठ के बल सोना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, ये बच्चे पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर डालती है। प्रेगनेंसी के दौरान सोने की सबसे अच्छी पोजीशन जो होती है वो है बाई करवट लेकर सोना, क्योंकि पीठ के बल सोने से होता क्या है कि गर्भाशय का पूरा भार शरीर के दूसरे अंगों पर पड़ता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बिगड़ सकता है। पीठ के बल सोने से सांस संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं,
तो बाई करवट लेकर सोना शुरुआती दौर से ही अपनी आदत में शामिल करिए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जिनका प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को हिट करके साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।